यहाँ पर देखेंगे आप सतना रीवा गुड़ होके रीवा। अगर आपको ग्वालियर जाना है तो यह बस डेली सर्विस सीधी से ग्वालियर जाती है। अगर आपको इंदौर जाना है तो ये बस डेली सर्विस है जो कि सीधी के न्यू बस स्टैंड से रवाना होती है। विष्णु पांडे, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे सीधी जिले का न्यू बस स्टैंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को। हम बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये शानदार आई लव सीधी का सिंबल यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बता दूँ ये जो बस स्टैंड बना हुआ है इतना शानदार तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर एक साथ बहुत सारी बसें यानी 100 से ज़्यादा बसें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर देखेंगे आप ऑटो खड़े हुए हैं, ऑटो की पार्किंग बनी हुई इस साइड पूरा पीछे साइड, और भी छोटी बड़ी वाहन आप खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे पार्किंग छोटी वाहनों के लिए बनाई गई है, दो पार्किंग स्थल यहाँ पर बने हैं। सामने पूरा शौचालय बना हुआ है, छोटी छोटी दुकानें इधर लगी हुई हैं। आगे चलेंगे तो दिखाएंगे कहाँ तक की बसें यहाँ से चलती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप सतना रीवा गुड़ होके रीवा, ये प्रधान बस लगी हुई है, ये चतुर्वेदी बस सतना के लिए लगी हुई है। और आगे चलेंगे तो सिंगरौली के लिए है प्रधान बस लगी हुई है, ये शहडोल परिहार बस लगी हुई है। और आगे चलते जाएंगे जैसे ही यहाँ से सलवार लमसरई के लिए प्रिंस बस सर्विस, खड्डी के लिए बस लगी हुई है यहाँ से। और इधर जो बसें लगी हुई हैं ये सारी बसें जब इनका समय होगा, ये पार्किंग स्थल लगी हुई हैं, जब इनका समय होगा तो ये बसें भी चलेंगी। अब बस स्टैंड के अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे और इधर का भी रोड दिखाते हैं, सामने साइड का रोड आपको दिखाएंगे। ये जो रोड है जाके रीवा सिंगरौली रोड पर के पास निकलती है। और आगे बढ़ेंगे जब हम तो यहाँ से जैसे ही आगे ये रोड है दोस्तों, ये रोड टाटा कॉलेज से एकदम जस्ट सामने मिलती है रीवा सिंगरौली रोड पे। यहाँ से बसें इंटर करने के लिए बनाया गया है और सामने साइड से जो पानी टंकी है वहाँ से बसों को निकासी दी गई है। इधर पूरा पार्किंग स्थल बना हुआ है, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है यहाँ पर पंचर की। बस स्टैंड के अंदर ये बजरंगबली की मूर्ति बनाई गई है, भगवान बजरंगबली के दर्शन कीजिए। और इसके बाद हम आपको बस स्टैंड के अंदर ले चलेंगे, वहाँ का नज़ारा के देखेंगे आप। रसोई घर बनी हुई है, आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर रसोई घर बनी है। यहाँ पर जब अभी ये बस स्टैंड हैंड ओवर नहीं हुआ है, केवल उद्घाटन हुआ है, इस कारण से ये यहाँ पे आप देखेंगे ताला लगा हुआ है रसोई घर का। जैसे ही नगर पालिका को हैंड ओवर हो जाएगा तो इधर आप देखेंगे कि बस स्टैंड से आपको रसोई घर से खाना, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। अभी पानी भी यहाँ पर चालू नहीं है, हम टोंटी चला के आपको दिखाएंगे यहाँ पर आगे चल के कि अभी ये देखिए अभी पानी चालू नहीं है। इधर पुरुष प्रसाधन की व्यवस्था की गई है और आगे जैसे ही आप जाएंगे वीडियो में देखेंगे कि महिला प्रसाधन की व्यवस्था की गई है बस स्टैंड के अंदर। लेकिन अभी ये सब ताला लगा हुआ है हर जगह आप देखेंगे, क्योंकि अभी बस स्टैंड का खाली उद्घाटन हुआ है, अभी तक हैंडओवर नगर पालिका को नहीं की। आगे चलेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको दिखाते हैं कि बस स्टैंड से छत के ऊपर अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से सीढ़ी लगाई गई है छत के ऊपर। आप जा करके अगर आपकी बस का समय अभी नहीं हुआ है, ठंड के मौसम में आए हुए हैं, तो यहाँ छत के ऊपर जा करके धूप ले सकते हैं। ये छत के ऊपर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और इधर आपको सामने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये दुकानें बनी हुई हैं, अभी दुकानों का उद्घाटन जो नीलामी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है इसलिए अभी सब में शटर लॉक आपको दिख रहा है। सीलिंग फैन लगे हुए हैं हर तरफ, आप सामने भी देखेंगे ये नीचे यहाँ से अगर आप यहाँ वेट करना चाहते हैं नीचे बसें लगी हुई हैं और यहाँ पर आप अपना समय बिता। इधर यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है,
यहाँ से आप टिकट लेंगे जब चालू हो जाएगा। अभी यह चालू नहीं है टिकट। यह है प्रधान बस सर्विस जो कि प्रतिदिन पुराने बस स्टैंड से जबलपुर के लिए जाती है। यहाँ से शाम को 8 बजे छुट्टी है और सुबह 5 बजे आपको जबलपुर पहुँचा देती है। दोस्तों किराया की बात करें तो 500 रुपये सीट का और 600 रुपये स्लीपर का किराया लगता है। वापस में अगर उधर से आप आते हैं तो सुबह आपको 5 बजे भोर में यहाँ फिर से पहुँचा देगी और रात को वहाँ 8:30 बजे। आपको हम ऐसी वीडियो देते रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ विष्णु पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।